दर्शकों का फेवरेट शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा इसके स्टार कास्ट की एंट्री और एग्जिट की वजह से लाइमलाइट में रहता है। शैलेश लोधा के जाने के बाद नए तारक मेहता के लिए एक्टर सचिन श्रॉफ को कास्ट किया गया है। बीते एपिसोड में प्रोड्यूसर असित मोदी नए चेहरे की एंट्री का हिट देकर गए। ये देख लोगों ने असित मोदी को चेतावनी दे डाली। असित मोदी को मिली वार्निंग। आप सोच रहे होंगे, असित मोदी तो दर्शकों की डिमांड पर शो में नए तारक मेहता को लेकर आए हैं, तो फिर किस बात की उन्हें चेतावनी दी जा रही है? चलिए सस्पेंस को तोड़ते हुए खुलासा करते हैं। नए तारक मेहता के रूप में सचिन श्रॉफ को लेकर लोगों का मिला जुला रिस्पॉन्स है। फैंस तो अभी भी शैलेश लोधा को ही याद कर रहे हैं। वे शैलेश लोधा के रोल में किसी और हीरो को मिसफिट पाते हैं। पहले दिशा वकानी और अब शैलेश लोधा। शो से दो बड़े कलाकारों के जाने से यूजर्स अपसेट हैं। लोगों का फूटा गुस्सा। यूजर्स का कहना है कि सभी पुराने चेहरे शो छोड़ रहे हैं। ऐसे में क्या होगा अगर जेठालाल यानी दिलीप जोशी भी शो में नहीं रहेंगे? तो दिलीप जोशी के फैंस को उनके रिप्लेस होने का डर सता रहा है, इसलिए वे असित मोदी को पहले ही अल्टीमेटम दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जेठालाल रिप्लेस नहीं होने चाहिए। एक यूजर ने लिखा, कोई भी नया बंदा आए तो आए, पर जेठालाल रिप्लेस नहीं होना चाहिए। दूसरे ने लिखा, जेठालाल के रोल में दिलीप जोशी का काम और डेडिकेशन शानदार है, कोई उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकता।